की बात हो जाए और कौन से प्लांटर के अंदर कौन सा पौधा लगा रखा है इसके बारे में कुछ हो जाए अपने दोस्तों से बात। जी हाँ, सबसे पहले चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय खास तौर से रहेगा इसी मॉसमस प्लांट के बारे में। जी, सभी जानते होंगे यह सदैव हर्षित और खुश रहने वाला है, सदैव इसी प्रकार से खिलने वाले। ये कहिए, चलिए इसकी केयरिंग की बात हो जाए। जी दोस्तों, इसे देखिए, लगाना बेहद आसान है। इस प्रकार से भुरभुरी सी आप मिट्टी लीजिए, यानी उसमें रेत मिलाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जी, इसके अंदर मैंने 10% जो है कंपोस्ट डाला है। कंपोस्ट की कोई खास ज़रूरत इसमें नहीं होती, बस रिवर सेंट जरूर डालें ताकि ज़्यादा पानी इसके अंदर ठहर न पाए और साथ साथ कर दे। जी दोस्तों, इसके बॉटम के अंदर छेद, जी प्लांटर में छेद करना बेहद जरूरी है। ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी ठहर जाएगा और पौधे गलने लगेंगे। जी दोस्तों, चलिए अब इसे लगाया किस प्रकार से जाता है इस पर बात हो जाए। जी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया, अपने दोस्तों को बताया कि इससे लगाना बेहद आसान। कुछ तोड़ लें आप इस प्रकार से, जी, और जो थोड़ी सी मजबूत हो और उन्हें रोप दे इस प्रकार से, थोड़े से होल बना करके और उसे रोप देंगे तो यह बहुत आसानी से लग जाएगा। जी चलिए, अब इसकी कुछ केयरिंग के बारे में बात हो जाए, क्योंकि जब तक केयर नहीं तो फूल क्या, पौधे क्या, सभी आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कुछ गल जाएंगे, सड़ जाएंगे या मुरझा जाएंगे, शायद हमसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों चलिए, अब इसकी केयरिंग की बात हो जाए, यानी इसे बेहद पसंद है धूप। जी हाँ, जितनी धूप इस पर गिरेगी शायद उतना ही यह प्रसन्न रहेगा। छाया में क्या होगा, यह केवल हरा भरा रहेगा, लेकिन इस प्रकार से आप उसके फ्लावर अगर पाना चाहते हैं तो दोस्तों जी, इसे धूप में आप रखना न भूले। यानी धूप का पौधा है और शायद इसे कंपोस्ट भी ज़्यादा पसंद नहीं है और पानी तो बहुत ही कम, नहीं तो पानी में भी यह बताया हमने कि इसकी केवल ग्रोथ होगी। जी दोस्तों, इसकी ग्रोथ होती जाएगी, यानी यह आपको हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर इस प्रकार से फ्लावर नहीं आएंगे। देखिए इसके, चलिए मैं अब फ्लावरिंग के बारे में और कुछ टिप्स बता देती हूँ। दोस्तों, आज छुट्टी का दिन था, यानी रविवार का दिन, और रविवार का दिन अपने पौधों के साथ समय बिताने का दिन जो है। जी दोस्तों, क्योंकि ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, देखिए इन फ्लावर्स के ऊपर, इन प्लांट के ऊपर देखिए आप कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, शायद एक एक के ऊपर बर्ड आई हुई है और शायद यह कल खिल जाएंगी, लेकिन मैंने कहा कि शायद कल इतना टाइम हो या ना हो। जी, लेकिन आज एक अवसर है वीडियो बनाने का, तो चलिए आज ही इनका वीडियो बना दिया जाए। दोस्तों देखिए, एक एक ब्रांच के ऊपर आप कई कई कलियां देख रहे हैं, ये कैसे आई, चलिए अब इस पर बात हो जाए। पहली बात यह है कि इसे हमने धूप में रखा, कम पानी दिया और साथ साथ में दोस्तों बनाना पील इसके अंदर डाला, यानी बनाना सुखा कर उसका पाउडर बना लिया और पाउडर बनाकर इसके ऊपर बस इसके इर्द गिर्द जो है आधा आधा चम्मच हमने कम डाल दिया। यानी बनाना पील एक बेहतर कंपोस्ट है इनके लिए, क्योंकि बनाना में हमारे दोस्त जानते हैं कि होता है पोटेशियम और नाइट्रोजन, जो इन फूलों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लायक है। यह कहिए कि हाँ, काफ़ी सारी ये जो बर्ड्स आई हैं, शायद ये बनाना पील का ही यूज़ हमने किया, उसी की वजह से संभव हो पाया। देखिए, शायद ही कोई ऐसी आप टहनी देख पाएं जिसके ऊपर यह ना लगी हो। चलिए अब कुछ और बात हो जाए, और ज़्यादा कैसे लगें,
जी दोस्तों, एक काम करना बिल्कुल न भूले, जो फूल खिल चुका हो उसे आप इस प्रकार से तोड़कर हटा दें, नहीं तो एक नहीं हटेगा तो दूसरे को कैसे मिलेगी राह। दोस्तों, अगर आप नए फूल खिलाना चाहते हैं तो इस तरह से इनको हटाते जाएं और नए पौधे पाते जाएं। मेरे दोस्तों को कैसी लगी मेरी यह वीडियो, ज़रूर आप शेयर करें, और साथ ही कैसे लगे मेरे इस तरह से कल खिलने के लिए तैयार हुए ये फ्लावर्स। जी हाँ, ज़रूर कल ये खिल जाएंगे क्योंकि इतनी कलियाँ जो हैं, और मुझे तो बेहद खुशी हो रही है इनकी कलियाँ ही देखकर, क्योंकि कल का सपना इन्हीं में तो है। जी चलिए, अब कुछ और बात हो जाए, वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना। और ये झांक रहे हैं मेरे अपराजिता के फ्लावर। ओहो, अपराजिता जैसा नाम, बिल्कुल उसी तरह से अपराजिता वास्तव में बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी कोई ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास में इसके दो रंग हैं जी, एक पिंक और एक पर्पल। पर्पल मुझे बेहद प्यारा है। इस प्रकार से ये जब छोटी सी कोशिश रंग में बदल जाती है, धरती के रंग खिल जाते हैं, तो मुझे बेहद प्रसन्नता दे जाते हैं। दोस्तों, ये मेरे अपराजिता के फ्लावर हैं। चलिए, अब मैंने इसे कैसे लगाया इसके बारे में मैंने आपको बनाकर बता रखा है वीडियो, लेकिन अभी भी एक छोटी सी बात चलिए चलते चलते कर दें। जी दोस्तों, आप इसे कोई फली ना समझ लें, बस ये केवल इसके बीज हैं। यानी अपराजिता के फ्लावर जब कुछ पक जाते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से उसकी फली बन जाती है, और उसके अंदर छुपी होती है नई पीढ़ी की एक कोशिश। जी हाँ, बीज। और देखिए, यह है मेरी तुलसी। जी तुलसी, और कौन सी तुलसी? जी विक्स तुलसी। हाँ, इसकी तो कहने ही क्या बड़ी सुगंध देती है विक्स तुलसी। हाँ, और साथ ही साथ जब कुछ कफ बढ़ गया हो या खांसी जुकाम हो गया हो तो बस इसके विक्स तुलसी के दो पत्ते ही काफ़ी हैं। मुझे तो इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी लगती है। इसके पास से गुजर जाना ही अपने आप में महक जाने जैसा होता है। जी, और ये देखिए, मैंने 15 दिन पहले ये प्लांट लगाए थे, हजारे के प्लांट, और अब ये शायद कुछ दिनों में दे पाएंगे फ्लावर। जब फ्लावर आएंगे तो मेरे दोस्तों को ज़रूर मैं शेयर करूंगी। जी माला मैंने ली थी इसके अंदर, और माला से मैंने बीज बनाए, और बीज से ये देखिए, फिर मैंने एक छोटी छोटी सी पौध तैयार की, और पौध तैयार करके इनमें रोप दिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और ये देखिए मेरा एलोवेरा, देखिए एलोवेरा भी कितना बढ़ गया है दोस्तों। और ये वापस से चंपा, ये चंपा देखिए इस कंटेनर में लगा है जी, कबाड़ से जुगाड़ जैसा ही है। ये देखिए, मैंने केवल 20 रुपये के अंदर कबाड़ी वाले से लिया था। और देखिए, ये ऐसे प्लांट मैंने बना रखे, प्लांटर बना रखे हैं। और ये भी देखिए आप, ये पानी की बोटल्स हैं जी, पानी की बोटल्स के अंदर भी पौधे लगा रखे हैं। क्योंकि अपने शौक को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है एक बड़ा सा बजट हो। जी दोस्तों, छोटी छोटी सी बस चाहत भी आपको प्रसन्नता दे सकती है। और ये रहा मेरे ग्रीन टी। जी ग्रीन टी का पौधा, इसे मैं सुबह पीती हूँ और शाम को भी पीती हूँ। जी मेरे दोस्त जानते होंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ग्रीन टी बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी देखिए, मैं अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से करती हूँ, चलिए अपने दोस्तों को बता दूँ। यह है मेरा ग्रीन टी का पौधा। जी ग्रीन टी के पौधे की मैं 2-3 लीव्स की काट करके चाय बना लेती हूँ, तो साथ ही साथ इस अपराजिता के फ्लावर की चाय की तो कहने ही क्या, वास्तव में बहुत ही इम्यूनिटी होती है। हाँ, तो कभी आप पीजिए हिबिस्कस की रेड कलर की चाय, और कभी पीजिए इस अपराजिता के फ्लावर की चाय, तो ग्रीन टी तो आप पी ही रहे होंगे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, तो देखिए
जब भी कभी समय मिलता है बस तुरंत इन पौधों के पास आ जाती हूँ कुछ बतियाने के लिए। आप अपने पौधों की कैसे करते हैं देखभाल जरूर मुझसे शेयर करेंगे इस उम्मीद के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।